कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी करने वाले निशाने पर जिला इंतजामिया ने दौरान कार्रवाई 32 दुकानें रेस्टोरेंट फार्मेसी और कैफेटेरिया सील कर दिया। 50,000 रुपए के जुर्माने। एसी कैंट ने 14 दुकानों और 2 रेस्टोरेंट को सील किया। एसी सिटी ने 11 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील कराए। लाहौर पर बादलों का बसेरा, शदीद सर्दी से शहरी ठिठुर कर रह गए। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हवा में नमी का तनासुब 86% रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बाद स्टार्ट ऑपरेशन मुतासर, लाहौर आने और जाने वाली 12 प्रवासी मंसूख 17 ताखीर का शिकार। रेलवे सिस्टम भी बैठ गया। कराची और कोटा से लाहौर आने वाली मुताबिक ट्रेनें कई घंटे लेट। कराची एक्सप्रेस 7 घंटे, शाहजहां एक्सप्रेस 6.5 घंटे ताखीर का शिकार, मुसाफिर ख्वार। भूखे सो जाते हैं, गैस नहीं आती। शहरी गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बर्तन और चूल्हे बजाकर अनोखा एहतजाज। शालीमार लिंक रोड पर शहरियों की हाथों में गैस के बिल उठाकर नारेबाजी। टाउनशिप ब्लॉक 11 और 12 के मकीन भी गैस बंदिश पर परेशान। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहर का दिल कहलाने वाली मॉल रोड की बहाली का मंसूबा ठप। फुटपाथ और सर्विस रोड खस्ता हाल। जिला इंतजामिया की कारकर्दगी जीरो। फ्रीगल चौक से दयाल सिंह मेंशन तक फुटपाथ टूट फूट का शिकार। टाइल्स उखड़ गई, पैदल चलना मुहाल हो गया। चंद्राय रोड नाले में कूड़े के ढेर। नाले का पानी ओवरफ्लो होने लगा। अहले इलाका परेशान, कहते हैं नाले का पानी बाहर आकर घरों में चला जाता है। कई बार शिकायत की, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की नई सर्विस लेन बैठने लगी। नाकिस एस्पोर्ट वर्क ने एलटीए का पोर्ट खोल दिया। सर्विस लेन मुख्तलिफ जगहों से बैठने से गाड़ियों को हादसात का खतरा। वज़ीर-ए-आला ने 27 नवंबर 2020 को मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद मंसूबे के फिनिशिंग वर्क्स पर तवज्जो न दी गई। मुजर सेहत अशिया की तैयारी एक बड़ा जुर्म। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 6 प्रोडक्शन यूनिट, 4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स, 52 फास्ट फूड पॉइंट सील कर दिए। कार्रवाइयां गंदगी, नाकिस ऑयल, ज़ायदुल मियाद अशिया के इस्तेमाल पर की गई। सियाहती फरोख के लिए शुरू की गई डबल डेकर बस सर्विस माली मुश्किलात का शिकार। 2018 के बाद बजट न मिला। 3 बसेस के महाना 13 लाख रुपए के अखराजात, आमदन 9 लाख से भी कम। 3 से 4 लाख खसारे का बोझ महंगा सियाहत के सर। अशाय खुरनोश आज भी गरीब शहरियों की पहुंच से बाहर। मुर्गी और फार्मी अंडों के रेट्स में मामूली कमी। ब्रायलर गोश्त 215 रुपए, अंडे 151 रुपए दर्जन तक फरोख। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से नीचे न आई। दुकानदार अशाय खुरनोश सरकारी रेट के बरक्स मनमानी कीमतों पर फरोख करने लगे। मॉडल बाजारों में भी उतार चढ़ाव जारी। रेलवे को खसारे से निकालने के लिए जामे एक्शन प्लान बनाने का फैसला। रेलवे में इस्लाहात लाई जाएंगी। एडिशनल जीएम, डीजी ऑपरेशन, लैंड एंड प्रॉपर्टी से तजावीज तलब। चेयरमैन रेलवे की हिदायत पर सीईओ रेलवे का मुरासला जारी। स्पीकर परवेज इलाही की साबिक एमएनए मियां मुनीर की रिहाइशगाह आमद। मियां मुनीर के भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। परवेज इलाही ने मियां मुनीर और उनके अहले खाना को सब्र की तलकीन की। इस मौके पर मियां रेहान, मियां रजा, मियां जहांगीर और मियां नज़ीर समेत दीगर मौजूद थे। नून लीग की इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे की तैयारियां। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस्लामाबाद चले गईं। मरियम नवाज 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे की कयादत करेंगी। वर्ल्ड टूर पर आने वाले जर्मन जोड़े ने लाहौर को ही कयामगाह बना लिया। जर्मन जोड़ा 9 माह कबल अफगानिस्तान के रास्ते कोयटा फिर लाहौर पहुंचा। जोड़ा बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत जाना चाहता था, कोरोना की वजह से भारत का वीजा ना मिला। अखराजात खत्म होने पर जर्मन जोड़े ने अनारकली नाभा रोड को मस्कन बना लिया। जर्मन जोड़ा 5.5 माह से कस्टम्स हाउस की दीवार के साथ गाड़ी में रिहाइश पजीर है। लाहौर जू सफारी में 2 हफ्तों के दौरान 2 वारदातें, 6 हिरन चोरी हुए, 1 मुर्दा मिला, 5 हिरन तहाल गायब। हिरनों की चोरी में अमले के मुलविस होने के शकों को शबात शामिल।
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी टाउनशिप के इंतखाबात इस्लाही ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप आमने सामने। इस्लाही ग्रुप से सदर के लिए चौधरी एम जमील और प्रोग्रेसिव ग्रुप से मेजर रिटायर्ड खान में मुकाबला होगा। साबिक एडवाइजर म्यूजिक सोसाइटी GCU तारिक सलमान खान फरानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा दोपहर 3:30 बजे समनाबाद में होगी। तारिक फरानी का शुमार म्यूजिक के नामवर उस्तादों में था। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले, शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। डावी कप और विंटर कप समेत 8 रेसेस खेली जाएंगी। दिन की पहली रेस में 8 साला घोड़ी नीली दी ग्रेट, दूसरी रेस में 4 साला घोड़ा मर्चेटला ऑफ वेनिस कामयाब। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज में हफीज की शिरकत मशकूक। मोहम्मद हफीज T10 लीग खेले में मसरूफ। लीग से मुआहदा छोड़कर बायोसिक्योर बबल में रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्रिकेटर का बोर्ड को जवाब, T10 लीग ना छोड़ने वाले खिलाड़ियों को सीरीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। PCB का खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम। और एवेन्यूज स्टूडियो में फिल्म मानसिंह की शूटिंग का अफ्ताह। हिदायतकार अशफाक मलिक हैं, शफकत चीमा मरकजी किरदार निभाएंगे। पंजाबी फिल्म आई लव यू लाहौर की नई झलकियां भी सामने आ गई। मोमराना नए रूप में जलवागर होंगे।